आपको घर से कॉलेज जाने में कितना टाइम लगता है मेरी दोस्त अलीना को घर से कॉलेज जाने में एक घंटा लगता है लेकिन जब वो कॉलेज के लिए निकलती है पहले थर्टी मिनट्स तो वो बहुत फ़ास्ट ट्रैवल करती है लेट्स से एट अ स्पीड ऑफ़ 80 किलोमीटर्स पर आवर लेकिन लास्ट थर्टी मिनट्स में उसे काफ़ी ट्रैफिक मिलता है और उसकी एवरेज स्पीड ट्वेंटी फाइव किलोमीटर्स पर आवर हो जाती है लेकिन ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ क्योंकि आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें यही एग्जाम्पल यूज होगी सो तो लेट्स से कि अलीना के कॉलेज तक के ट्रैवल का हम फंक्शन बनाना चाहते हैं तो वो कैसा फंक्शन होगा इस जर्नी में दो इंटरवल्स हैं फर्स्ट थर्टी मिनट्स एंड लास्ट थर्टी मिनट्स और इन दोनों इंटरवल्स में एवरेज स्पीड भी अलग अलग है तो अब क्या करें कैसे फंक्शंस बनाएं तो ऐसे सिचुएशंस के लिए वी हैव हाँ पीस वाइज फंक्शंस पीस वाइज फंक्शन ये कैसा नाम है पीस वाइज ओ तो इट इज बेसिकली पीसेस ऑफ फंक्शन एंड द ग्राफ विल हैव एज एज मेनी कर्व्स और फंक्शंस है कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फंक्शन ओवर डिफरेंट डोमेन्स इंटरवल्स इसको आसान जबान में समझ लेते हैं पीस वाइज फंक्शन वो फंक्शन हैं जिसमें दो या ज्यादा इंडिविजुअल फंक्शन होते हैं उन फंक्शंस का अपना अलग अलग इंटरवल या डोमेन होता है तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल यू कैन गेस हाउ मेनी पीसेज और इंडिविजुअल फंक्शंस आर इन दिस पीस वाइज फंक्शन यू टू? ये राइट चलिए अब इस फंक्शन को समझ लेते हैं इस पीस वाइज फंक्शन में जब इनपुट जीरो या वन के दरमियान होगा तो आउटपुट विल बी सिंपली एक्स बिकॉज इस इंटरवल का फंक्शन एक्स है लेकिन अगर इनपुट वन और टू के दरमियान हो देन वी विल यूज सेकेंड फंक्शन विच इज एक्स माइनस वन इसको सॉल्व करके देखते हैं सॉल्व करने का मतलब है टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन एंड प्लॉट इट्स ग्राफ इस फंक्शन में दो तरह right? के इंटरवल्स हैं राइट दैट्स वाई वी विल मेक टू टेबल्स एक टेबल होगा जिसमें एक्स की वैल्यू जीरो और वन के दरमियान होंगी और दूसरे टेबल में एक्स की वैल्यूज वन से बड़ी हैं बट नॉट मोर देन टू मुझे कैसे पता चली है वैल्यूज ये सारी इंफॉर्मेशन यहां दी हुई है इजी ओके okay. तो फर्स्ट टेबल में एक्स की कोई भी वैल्यूज जो इंटरवल में लाया करती हैं वो प्लग इन करते थे जैसे जीरो जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट एट और वन एक्स की वैल्यूज तो पता चल गई बट वाट अबाउट वाई यू विल प्लग इन दीज वैल्यूज ऑफ एक्स इन द फर्स्ट फंक्शन वन बाय वन और फिर वाई भी मिल जाएगा ओके okay? The same process will be repeated for the next function as well. X yani domain bhi mil गई aur y yani range bhi mil गई. So what's next? So now I will plot these points on a graph. वैसे any idea कि graph कैसे बनेगा? क्या graph भी दो pieces में होगा? तो so plot करके देखते हैं. ये हमारा x-axis और ये हमारा y-axis. पहले function के points plot करके देखते हैं. ये है first point. जीरो कामा जीरो सेकेंड पॉइंट पॉइंट फाइव कामा पॉइंट फाइव यहां आ गया थर्ड पॉइंट एट कामा पॉइंट एट इधर आ गया एंड फाइनली वन कामा वन इधर आ गया सो पॉइंट्स प्लॉट हो गए हैं लेट्स कनेक्ट दम अब दूसरा फंक्शन भी प्लॉट कर लेते हैं तो दूसरे फंक्शन के पॉइंट हैं ये पहला पॉइंट ये आ गया दूसरा यहां एंड सो ऑन इन पॉइंट्स को भी कनेक्ट कर लेते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि ये पीस वाइज फंक्शन था जिसमें दो इंडिविजुअल फंक्शंस थे डिफरेंट इंटरवल्स पर इसीलिए इसके ग्राफ में भी दो लाइंस हैं ईच लाइन रिप्रेजेंटिंग इट्स फंक्शन पीस वाइज फंक्शन वैसे तो बहुत मुश्किल लगता है लेकिन अगर हम इसको एक बार गौर से समझ लें तो ये इतना मुश्किल नहीं है अब आप प्रैक्टिस करें इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन की